हेलो, आई एम अनिल, आई एम प्रिंट फूड मॉडल। तो आज हम बात करना चाहते हैं मिस्टर इंडिया कैसे बने, कौन बन सकता है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि जो मेरा आने वाला वीडियो है वो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो आज हम बात करना चाहते हैं कि मिस्टर इंडिया कौन बन सकता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है, इसमें पैसे कितने लगते हैं। तो सबसे पहली बात, जो इसकी ऑडिशन फॉर्म की कंडीशन होती है वो ये होती है, आपकी हाइट 5.8 प्लस होनी चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए 18 प्लस और 25 से नीचे, यानी 18 से ऊपर और 25 से नीचे होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप खुद पे काम करोगे, यानी एप्स भी मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं, बट अगर आप मेहनत करो हो सको तो आपको आगे बहुत काम आएंगे। और आपकी फिटनेस तो इसमें मेन ही होती है, ताकि आप जब ऑडिशन देने जाओगे, मैं भी फाइनलिस्ट रह ही चुका हूँ लेकिन बन नहीं पाया। अब वो क्यों रहा मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो फिटनेस मेन इम्पोर्टेंट रहती है, ताकि जो आप जो सामने आपके बंदे देखते हो ना, वो पूरी मेहनत करके आते हैं, ताकि मिस्टर इंडिया छोटी मोटी बात नहीं है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो आप मेहनत करें, और इसके लिए जो आप ऑडिशन में जाते हो उसके 3 राउंड होते हैं, 3 राउंड। पहला राउंड होता है रैमबॉक, आपने सुना होगा रैमबॉक, जो कैटबॉक रैमबॉक करते हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको रैमबॉक नहीं आता तो आपका सिलेक्शन होना ही इम्पॉसिबल है। तो रैमबॉक आप यूट्यूब से सीख सकते हो, या आगे जो आपकी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, या आपने किसी मॉडल एक्टर को देखा होगा तो वो भी आप कर सकते हो। नंबर 2 होता है क्वेश्चन आंसर राउंड। तो क्वेश्चन आंसर राउंड मतलब क्या होता है, जो भी जजेस रहते हैं वो आपसे क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, आपको उसका आंसर देना होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपकी स्पीच जो हो वो क्लियर ही होनी चाहिए, जो उनको समझ में आए। तो अगर आप, पहली बात तो आप घर पर प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन आंसर क्या क्या, मतलब कैसे अपन आंसर देंगे, क्या क्या बोलेंगे, तो वो आप घर से ट्राई करके जा सकते हो। नंबर 3 होता है आपका टैलेंट राउंड, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट है, डांसिंग, सिंगिंग, फिटनेस, एक्टिंग, कुछ भी आप में टैलेंट है वो आपका टैलेंट राउंड दे सकते हो। तो अब बात आती है कि इसमें पैसे कितने लगते हैं। पहली बात तो जो मिस्टर इंडिया कंपटीशन जो ऑर्गेनाइज करते हैं, 98% फेक होते हैं, यानी पैसे खाते हैं। कैसे खाते हैं, ऑडिशन फीस का चार्ज होता है 1000 रुपीज़, यानी 1000। अब हर एक सिटी से 50-50, 20-20, 30-30 बंदे आते हैं, तो हर एक सिटी से कुल मिलाकर जो बंदों का टारगेट होता है, जो कैंडिडेट होते हैं, वो कम से कम 200 के समथिंग हो जाते हैं। तो हर एक बंदे से 1000 रुपीज़ लेंगे तो 2 लाख तो वहीं पे हो गए, और जिसमें से मुश्किल से 50+ बंदे सेलेक्ट होते हैं 200-300 बंदों में से, यानी 500 भी मान लो आप जो कैंडिडेट होते हैं उसमें से। तो वो तो आपके पैसे ऑडिशन में जो आपने अगर राउंड पार कर लिए तो वो तो आपके पैसे बच जाएंगे अगर राउंड पार कर लिए तो। अब बात आती है फाइनलिस्ट की, कि फाइनलिस्ट जो है वो फाइनल राउंड के कितने पैसे देते हैं। मेन ये होता है, इसी में मैं भी पीछे रह गया और साथ सुन के आप भी पीछे रह जाओगे, बट अगर आपको बनना है तो आप दे सकते हो। तो 3rd राउंड जो कि फाइनलिस्ट राउंड होता है, फाइनलिस्ट आप 50-50 मतलब प्लस बंदे होते हैं, वो एक बंदों का फीस होती है, एक बंदे की 20,000 से 30,000 के बीच में। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप फाइनल ऑडिशन दे सकते हो। और एक और बात मेन होती है, जो भी आप विनर होता है उसकी जो अपॉर्चुनिटी होती है, वो मतलब कि वो पहले ही लिस्ट में आपको बता देते हैं कि आपको एक म्यूज़िक वीडियो मिलेगा और एक रैमबॉक वाला जो शो होता है वो करने को मिलेगा, और भी अदर होते हैं, बट इसमें क्या आप स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े पैसे मिलते हैं। तो ये तो जो विनर है उसके लिए होता है, और जो सारे जाते हैं ना उसके लिए कुछ नहीं होता। तो मैं यहाँ पर गया था ना, मैं फाइनलिस्ट बन चुका था, और जब मेरा फाइनल का उनका कॉल आया कि आपको 30,000 रुपये देने हैं, तो मैं वहाँ पे इसलिए पीछे हट गया था, ना तो मैं जो फाइनलिस्ट बना ना तो अखबार में आया, ना न्यूज़ पे आया,
तो मेरे को डाउट हो गया था ये फेक है। तो इसलिए आप अगर ऑडिशन देने जाओ तो पहले उसकी इंक्वायरी करो। इंडिया में दो ही जो भी मिस्टर इंडिया ऑर्गेनाइज करते हैं, दो होते हैं पॉपुलर जो इंडिया के नंबर वन है। एक होता है मिस्टर पीटर इंग्लैंड, ये इंडिया का टॉप मिस्टर इंडिया कंपटीशन होता है। इसमें आप जा सकते हो, इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते। सेकंड है जो मतलब कि मैंने इंस्टा पे इनको फॉलो भी करता हूँ, वो होता है रूबरू। तो इनके पैसे लगते हैं कम। अब जो मैं यहाँ पे गया था वहाँ पे 30,000 मेरे थे, तो मैंने उनको बोला, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आया मैं स्टूडेंट, तो उन्होंने 25,000 समथिंग का लिए थे। तब तो मैंने उनसे और भी रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मुझसे क्या बोला, ये कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो मैंने उनसे सीधा बोला, अगर ये इतना ही बड़ा प्लेटफॉर्म है तो मेरी फोटो न्यूज़ पे क्यों नहीं आई, अखबार में क्यों नहीं आई, मैं MP का फाइनलिस्ट था मिस्टर इंडिया में। तो फिर इनके उसके बाद उन्होंने कहा आपको करना होता, उन्होंने मत करा। तो मेरे जितने भी फ्रेंड थे जो फाइनलिस्ट थे, उनमें से किसी ने भी फाइनल राउंड नहीं किया है, क्योंकि कोई 30,000 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता, आप भी जानते हो, क्योंकि ये बहुत रिस्की रहता है। 50+ बंदों में से हर बंदा 30,000 देगा, तो 50 में से एक जीतेगा, बाकी के पैसे तो ऐसे ही जाएंगे ना। और जो रियल मिस्टर इंडिया होता है उसकी फीस लगती है, मैंने इंक्वायरी की थी तो उसकी फीस लगती है 7,000 से 8,000 के बीच में। तो यार कहाँ 30,000 का 7-8 हज़ार रुपये, तो वहीं पे मैं समझ गया था 1,000। तो अब उनका क्या जाता है, वो तो ऑडिशन अपने लिए, अपन ने ऑडिशन भेज दी 1,000 रुपीज़, उनके 500 बंदे आ गए, तो उनके 5 लाख तो वैसे ही हो, एक सामने कैमरा रख के बैठ जाते हैं और दो चार मॉडल ले आते हैं पकड़ के, जो कि उनका आता ही पता ही नहीं है, उन्होंने कहाँ रैम्बो किया, कहाँ अपने फ्रंट शूट किया, कहाँ अपने कमर्शियल लेट किया, किसी का कुछ पता नहीं होता। तो ऐसे बंदों के सामने मतलब पैसे लेके पैसे दे के सब काम होता है भाई। आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला शो बना रहे हो, नंबर पहली बात मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, ये फेक ऑडिशन जो आप लेते हो ना, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला बंदा तैयार कर रहे हो, यानी जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा वो आपका शो जो भी आपने ऑर्गेनाइज किया है उससे निकलेगा। तो आप फेक ऑडिशन करते ही क्यों हो यार? तो मैं भी मिस्टर इंडिया फाइनलिस्ट, लेकिन नाम तो रह गया मेरा, मिस्टर इंडिया फाइनलिस्ट हूँ मैं, तो सिर्फ नाम ही रह गया, बना तो है नहीं, किसी को पता भी नहीं पहली बात तो, क्योंकि ना मैं खुद पर्सनल जानता हूँ, और वो मैं यहाँ पे ऑडिशन देने गया था वहाँ पे जानते हैं, और जो मेरे फ्रेंड थे यहाँ पर उन्होंने ऑडिशन दिए थे उनको पता, और कुछ नहीं है पता। तो आप ऐसे पैसे में से ना दिया करो पहले उसके बारे में इंक्वायरी। मैंने भी इंक्वायरी की थी बट उन्होंने फिर, अगर आपको वाकई में ऑडिशन देना है तो सबसे पहले आपकी फिटनेस पे काम करें बिल्कुल, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये होती है आपकी जो दाढ़ी होती है ना वो कम से भी कम मीडियम हो या उससे बड़ी हो। अगर आप चिकने जाओगे ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो जज रहती है ना वहाँ पर एक मैडम रहती है, वो मॉडल मान के चलो या, तो उनको ऐसे बंदे सिलेक्ट करने में मज़ा आता है। या भी तो आप दाढ़ी ज़रूर रखें और ऐसे बेकार में ना आए। अब मैं भी नेक्स्ट मेरा गोल है मिस्टर इंडिया पीटर इंग्लैंड, मैं आपसे वहीं पे मिलूँगा, और आप जो मेरी लिंक है उस पर मेरे नंबर मिल जाएंगे, आप उस पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो कि मैं कब उसके ऑडिशन होएंगे, कब मैं जाऊँगा और उसकी फ़ीस कितनी लगेगी। सो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बिग थिंक।